अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इसमें हमने डेरिवेटिव लेना है दिस फंक्शन एक्स इंटू एक्स माइनस 3 बाई डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं दिस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेट करेंगे ये फंक्शन जो गिवन है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है एक्स इंटू एक्स माइनस 3। यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स मल्टीफाई हुआ एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 3x। तो ये गिवन फंक्शन है इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करना है। बाय डेफिनेशन में फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हमने रिप्लेस करना होता है x को x प्लस डेल्टा x से। यहां पर भी हम लिखते हैं रिप्लेस x बाय x प्लस डेल्टा x। यानी कि जहां पर x आ रहा है वहां पर हम x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 इंप्लाइज दैट तीन जगह x आ रहा है इस इक्वेशन में। x की जगह x प्लस डेल्टा x आ जाएगा यानी कि इस x की जगह x प्लस डेल्टा x आ गया। इसी तरह इस x की जगह भी x प्लस डेल्टा x आएगा और लास्ट x की जगह भी x प्लस डेल्टा x आएगा। तो x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख लिया, स्केयर उसी तरह मेंटेन रहेगा और माइनस की जगह माइनस, नेक्स्ट माइनस 3 है, आगे x की जगह x प्लस डेल्टा x आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, स्केयर ओपन करते हैं यहां पर, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर ए प्लस बी का होल स्केयर। तो इसी तरह ओपन करते हैं कि ए का स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्केयर। ए की जगह एक्स आ रहा है और बी की जगह डेल्टा एक्स आ रहा है, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दैट हमने स्टेप टू की तरफ आना है। स्टेप टू में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, यानी कि एफ ऑफ एक्स ये वाला जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसको हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से माइनस कर देंगे। तो हम यहां पर लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, क्योंकि सेकंड स्टेप के मुताबिक हमने यही काम करना है। तो यहां पर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड से राइट साइड सब्ट्रैक्ट होगी। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया और राइट साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखेंगे जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स। ये टर्म्स एज इट इज नीचे यहां पर हमने लिख दी और माइनस क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर से, सेम इसी तरह प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन टर्म हमारे पास बच गई, तीनों टर्म में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो डेल्टा एक्स काम में ले लेंगे, 2x रह जाएगा यहाँ पर डेल्टा एक्स के, तो डेल्टा एक्स रह जाएगा और माइनस 3 डेल्टा एक्स बाहर आ जाएगा तो 3 रह जाएगा सिर्फ, और लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट भी कर लिया और उसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में इसी टर्म को यानी कि यही टर्म है इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स आ जाएगा डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो गया और हमारे थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट लेनी होती है तो हम यहां पर लिखेंगे टेकिंग लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, लेफ्ट साइड के साथ भी लिमिट लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और राइट साइड के साथ भी लिमिट लिखेंगे 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3। बाय डेफिनेशन इसको हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहते हैं और f प्राइम x से जाहिर करते हैं, तो इसका लिख लेंगे f प्राइम x और राइट साइड में लिमिट पुट कर देंगे, एक जगह हमारे पास डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है उसकी जगह 0 लिख देंगे, तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 0 और माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, तो 2x माइनस 3 ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन बाय डेफिनेशन निकल आया।